हाय दोस्तों, मैं नुत यादव जी टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं मैथ मेडिकल के फंक्शन के बारे में। दोस्तों, उसमें कुछ कमांड हमारे हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं एबीएस, काउंटी एंड समीप। आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पे मैंने ऑलरेडी मैं फॉर्मेट बना रखा हूँ, बस हमको डेटा फीड करना है और साथ ही साथ में दोस्तों उस सभी के एग्ज़ाम्पल को भी मुझे यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा एबीएस का मतलब होता है दोस्तों हमारा ये एब्सोल्यूट वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, एबीएस हमारा जो कमांड है वो यूज़ करता है, इसमें जो वैल्यू बताता है सर विदाउट साइन का। जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एबीएस कमांड का इस्तेमाल किया और यहाँ पे दोस्तों हमने एक सिंबल लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मैथ का एक सबस्ट्रक्शन का एक सिंबल लगाया और 77 को मैंने यहाँ पर प्लस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वैल्यू रिटर्न किया एबीएस वो क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो साइन था वो क्या किया, रिमूव कर दिया, यानी विदाउट साइन का ही हमारा वैल्यू रिटर्न करता। तो ये था दोस्तों हमारा एबीएस। अब अगले कमांड की तरफ चलते हैं, काउंटिव। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा काउंटिव है, तो हमको काउंटिव का यूज़ करना है दोस्तों, किस तरीके से यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माउस, हाँ सॉरी कॉफी, सॉप, कॉफी सॉप, टी सॉप, टी सॉप। इसके बाद उन सभी के प्राइस, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने प्राइस की वैल्यू भी इंटर कर दिया और सभी आइटम के वैल्यू को इंटर कर। दोस्तों काउंटिव हमारा जो कमांड होता है वो क्या करता है, जो हमारा स्टोर होता है उस स्टोर में जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो वैरायटी होती है उस वैरायटी को क्वांटिटी में काउंट करके बताता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें रिजल्ट निकालना है इसका किस तरीके से, आपको सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर काउंटिव कमांड का इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा रेंज पूछता है, तो दोस्तों यहाँ से आप पूरा रेंज को ड्रैग करें। रेंज के ड्रैग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कामा, फिर वापस डबल इंटर कामा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिस प्रोडक्ट की वैरायटी आपको पता करना है उस प्रोडक्ट को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट का वैरायटी बताया वो क्या है, 4। मीन्स दोस्तों ये जो हमारा 4 वैरायटी है वो किस चीज़ की वैरायटी है, सॉप के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, यानी इस पूरे टेबल के अंदर हमारा जो सॉप की जो वैरायटी है वो क्या है, 4 है। इसी तरीके से दोस्तों हम अदर प्रोडक्ट का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आइए देखते हैं, अगर वैरायटी पता करना है तो यहाँ पर काउंटिव वापस ब्रेकेस्ट ऑन करिए, आप रेंज पर जाइए। रेंज के बाद दोस्तों कामा, फिर से डबल इंटर कामा लगाइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम टी के वैरायटी को काउंट करते हैं, तो देख सकते हैं इस पूरे टेबल के अंदर हमारे जो टी की वैरायटी है वो क्या है, 2। तो यहाँ पे दोस्तों इस टेबल के अंदर हमारे 2 वैरायटी की टी है। तो ये था दोस्तों हमारा काउंटिंग। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले कमांड की तरफ, जो हमारा है समीप। जी हाँ दोस्तों, हम समीप की तरफ चले। तो दोस्तों इसके लिए हम वापस इसी प्रोडक्ट को हमने यहाँ से कॉपी किया, वापस यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा प्राइस है इसको हमने यहाँ से कॉपी करके वापस हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ काउंटिव और समीप में डिफरेंट क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो काउंटिव हमारा कमांड होता है दोस्तों वो क्या करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं पूरे टेबल के अंदर, यानी पूरे स्टोर के अंदर जो हमारे सारे प्रोडक्ट होते हैं हम उसके वैरायटी को पता कर सकते हैं। और जो हमारा समीप फंक्शन होता है, आई मीन्स कमांड जो होता है दोस्तों, वो हमारे सभी वैरायटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके जो प्राइस होते हैं सभी वैरायटी के, उस सभी प्राइस को जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं उन सबको एक साथ में किस तरीके से काउंट करता है, यानी
योग कैसे करता है वो बताता है। इन्हें दोनों मानता है दोस्तों, ये हमारा जो काउंटिफ होता है वो केवल हमारा जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी है सेम नाम की उसको काउंट करता है, और समीप जो होता है दोस्तों वो जो हमारा प्रोडक्ट की जो वैरायटी है डिफरेंट डिफरेंट उनके जो प्राइस है वो एक साथ में कैसा योग करता है उसे काउंट करता है। आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हम लोग समीप वैल्यू को निकालते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया, एक सेल को चूज़ किया जहाँ पे हमारा समीप रिजल्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने समीप का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रेंज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने आइटम का रेंज लिया। तो दोस्तों यहाँ पे कामा लगाना, फिर डबल इनवर्टेड कामा लगाना है। इसके बाद दोस्तों आप जिस प्रोडक्ट की वैरायटी को वैल्यू निकालनी है उस प्रोडक्ट के लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों शॉप लिखा, वापस हमने यहाँ से डबल इनवर्टेड कामा लगा, वापस फिर से कामा आप लगाइए दोस्तों। इसके बाद हम उसके प्राइस के रेंज को पूरा सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा 150। तो जो शॉप की वैल्यू है आप देख सकते हैं, फर्स्ट शॉप की जो वैल्यू है 45 है, सेकंड जो 40 है, और थर्ड हमारा जो 35, और लास्ट हमारा 30। तो ये टोटल काउंट करके आपको बता रहे दोस्तों 150 रुपीज़ आपका ये समिफ वैल्यू है। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे कमांड की तरफ चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ उसमें चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फिर से आपका काउंटिंग समिफ का इस्तेमाल किया। उसके बाद रेंज को मैंने लिया दोस्तों। रेंज लेने के बाद कामा डब्ल्यू कामा, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। कॉफ़ी प्रोडक्ट की जो वैरायटी उसके मूल्य की गणना करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा कॉफ़ी आइटम है। इस कॉफ़ी आइटम में हमारे स्टेबल में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो कॉफ़ी आइटम यानी दो वैरायटी हमारे पास कॉफ़ी की है जिसके अलग अलग रेट है, और ये दोनों को किस तरीके से ये काउंट करके बताएगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे 155 रुपीज़ होता है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमारा काउंटिप और समिप का यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कमांड के माध्यम से हम डेटा को आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, शॉप मॉलिक शॉपिंग सेंटर मॉल, इन सभी डिपार्टमेंट जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि एजेंसी, जहाँ पे हमारे सेम नाम के जो पार्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके कैसे वैरायटी को काउंट किया जाता है, और आसानी से यहाँ से डेटा को एनालिसिस करके पता किया जा सकता है कि सेम नाम के प्रोडक्ट हमारे पास कितनी वैरायटी के है, और साथ ही साथ उन सभी का जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं आप उसको आसानी से समिप भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर यूज करके आपको बताया। तो आपने देखा इसके बाद दोस्तों हम एक इसके साथ दूसरा मैं एग्जाम्पल इस्तेमाल करता हूँ वापस समीप का। तो दोस्तों यहाँ पे वापस आप देखिए रेंज पूछता है, तो हमारा स्टेबल का यहाँ पे रेंज लिखा है आइटम का, कामा डबल यूनिट कामा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे टी की वैल्यू को काउंट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे टी की जो वैल्यू होती है वो 96 होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कमांड जो था मैथमेटिकल में, ABS काउंटिप एंड समीप। दोस्तों अगले वीडियो में अगले कमांड के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।